आप देख रहे हैं अपना समाचार के लिए कुछ भी करेगा कि पूरी टीम को, सारे टेक्नीशियंस को, डायरेक्टर धीरज ठाकुर और प्रोड्यूसर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको मुबारक और हम सबको भी हिप हिप हुर्रे हुर्रे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए जी, पहले मैं आप लोगों को और अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, पुष्पा शुक्ला। और मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगी कि ये फिल्म का नाम है लव के लिए कुछ भी करेगा और ये गायत्री क्रिएशन के बैनर के तले बन रही है फिल्म। और इसके जो हमारे अपने प्रोड्यूसर हैं वो सतीश दुबे जी हैं और सुनील सिंह जी हैं, जो इतनी अच्छी मूवी लेके जो है बना रहे हैं। और इसके सबसे बड़ा जो हम धीरज ठाकुर जी को कहेंगे कि जो इस फिल्म को लेके जो है चल रहा है पूरा, और बहुत ही अच्छी और पारिवारिक फिल्म है। बात करें धीरज ठाकुर जी की, जो है कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल किया उन्होंने, बड़ी फिल्म लेके आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे अपने फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो इस तरह के डायरेक्टरों का, जैसे कि हमारे धीरज ठाकुर जी हैं, एक यंग सोच के हैं, एक यंग जनरेशन के, जिनकी की आज बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज ये लोग आएंगे एक नई पीढ़ी के लोग। और सबसे बड़ी बात, एक पारिवारिक पिक्चर, इनकी जो अपनी सोच है धीरज जी की वो एकदम अलग है। जिस तरह से ये फिल्में लेके आ रहे हैं, पूरा पारिवारिक और उसके साथ साथ टोटली इंटरटेनमेंट होती है। तो मैं यही कहूँगी कि धीरज ठाकुर जी बहुत अच्छी एक फिल्म को लेके आ रहे हैं लव के लिए कुछ भी करूँगा, और बहुत ये एक अच्छी मूवी है। और मैं ऑडियंस से यही कहूँगी कि मूवी जब भी रिलीज हो इसको लोग जाके देखे करें, क्योंकि पूरी पारिवारिक और इंटरटेनमेंट मूवी है। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मूवी हमारी जो लव के लिए कुछ भी करूँगा बहुत ही अच्छी मूवी है, और इसको लोग जाकर देखें और देखें, क्योंकि फिल्म के अंदर ये जो नाम है, हीरो कह रहे हैं कि लव के लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन ये सब संस्कारों के अंदर की एक मूवी है। तो मैं और लोगों से यही अनुरोध करूँगी कि लव के लिए नाम तो है कुछ भी करूँगा, लेकिन आप लोग भी कभी मतलब अपने अपने माँ बाप से ऊपर होकर कुछ मत करिए, क्योंकि ये पिक्चर है, पिक्चर की तरह इसको देखिए और अपना अपना एंटरटेनमेंट करिए, क्योंकि पिक्चर बहुत ही अच्छी है। अपने सारे दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम है नीलू शंकर सिंह। मैं बताना चाहूँगी इस फिल्म का नाम है लव के लिए कुछ भी करेगा, और आज हमारा सॉन्ग शूट था और मैंने खूब एंजॉय किया है, बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग शूट हुआ है। अब देखते हैं दर्शकों। मेरा इसमें लीड है और एक संस्कारी बहू होती है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमको, हमने साड़ी पहना है, सिंदूर लगाया है, ये एक संस्कारी बहू का गेटअप है। तो मैं बहुत खुश हूँ इसमें और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये रोल निभाते हुए। अब इस फिल्म में कंफ्यूज हूँ किनका नाम लूँ। एक्चुअली देखा जाए तो दोनों ही मेरे हीरो हैं। फर्स्ट है विशाल सिंह जी और सूर्या शर्मा जी हैं। जी, मैं कहना चाहूँगी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं धीरज ठाकुर जी, जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक नई शुरुआत हुई है मेरी उन्हीं के साथ में, बेटवा बाहुबली 2 उन्हीं के साथ मेरी शुरुआत हुई थी फिल्म की, और ये मेरी दूसरी फिल्म है उनके साथ। तो मैं अपने सर को थैंक यू कहना चाहूँगी, और रही बात हमारे प्रोड्यूसर सर की, जो सुनील जी हैं और नितेश जी हैं, बहुत ही अच्छे हैं वो, और उनके साथ भी मैं पहली बार जुड़ी हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा हमारी सारी टीम हम मिलकर काम करें। जी, आज सॉन्ग शूट था और कुछ सीन भी थे, तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है डांसिंग में, बहुत कुछ सीखने को मिला है। डांस मास्टर थे संजय जी और मोना जी थी, और सीन भी किए हैं, तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है, और हर फिल्म में हम सीखते हैं। पुष्पा शुक्ला जी,
जी हाँ, वो तो हमारी सासू माँ जी हैं, तो उनके बारे में हम कोई पोल नहीं खोलेंगे। अगर अभी हम उनके बारे में पोल खोल देंगे तो शायद फिल्म देखने का कोई मतलब नहीं होगा, तो ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट हैं। अभी आपकी सासू माँ हैं तो फिल्मी पर रियल नहीं है? नहीं, फिल्मी फिल्म के अंदर है वो हमारी सासू माँ, रियल लाइफ में नहीं है। जी, सास बहू में तो काफ़ी लड़ाई होते हैं। अगर देखा जाए तो सासू माँ अगर बहू को कुछ कहती है तो एक बहू के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो सासू माँ को ज़बान न लड़ाए। अगर सासू माँ अगर कुछ गलत कहती हैं तो बहू का एक कर्तव्य होता है कि वो सासू माँ की सेवा करे और उन्हें पलट के कभी जवाब न दे। ये होता है बहू का कर्तव्य और वो मैंने इस फिल्म में निभाया है। बाकी आपको आगे फिल्म देखेंगे तो सब कुछ पता चलेगा। तो अगर मुझे ऐसी सास मिली तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि वो एक बहू के अंदर होता है कि अगर झगड़ेलू सास मिले तो बहू होती है एक घर को सुधार सकती है। तो मैं, अगर मेरी सासू माँ मुझे ऐसी मिलती हैं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि उनको मैं अपना प्यार दूँ और वो भी मुझे प्यार दें। चलो, आज शूटिंग खत्म हो गई है तो पूरी टीम को जी मैं अपने लव के लिए कुछ भी करेगा, सारी टीम के लिए, सारी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। जहाँ तक के स्पोर्ट बॉय से लेके हमारे कैमरामैन, लाइट मैन, जितने सब, सारी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इसमें हम सबकी मेहनत है, किसी एक का मेहनत नहीं है। तो हम सब ने बहुत मेहनत किया है। थैंक यू सो मच मेरे सारे टीम, कैमरामैन से लेके स्पोर्ट बॉय से लेके हर एक इंसान को थैंक यू सो मच। डायरेक्टर साहब ठीक नहीं बोला? हमने पहले कह दिया था डायरेक्टर सर को। थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे पूरी फिल्म की शूटिंग आज समाप्त हो गई अच्छे से जो है, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को राज कपूर शाही का प्यार भरा नमस्कार। जी, मेरा भी जयपिल का नमस्कार जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज शूटिंग का लास्ट दिन है और अब तक जितनी भी शूटिंग हुई बहुत मज़ा आया हमको करके। और धीरज ठाकुर जी के बारे में बोलना चाहूँगा कि यंग जनरेशन के सबसे बेहतर डायरेक्टर लगे मुझे, क्योंकि उनके काम करने का टेक्निक, उनका ट्रीट करने का टेक्निक, मतलब हर चीज़ कुछ अलग है और बहुत मज़ा आया मुझे। और मैं ये दुआ करूँगा कि ये फिल्म जो है अच्छी चले, जो पैसा लगा है, प्रोड्यूसर जो इसके बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, जो काम से काम मतलब रखते हैं, जो बिज़नेस को सोचकर फिल्म बना रहे हैं, उनका पैसा रिकवर हो ताकि आगे वो काम कर सकें, उनके पास वो क्षमता है कि आगे काम करने की शक्ति मिले उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, धीरज जी के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इतनी कम उम्र में वो काफ़ी समझदार और बहुत सुलझे हुए निर्देशक हैं और मुझे इनसे बहुत उम्मीद है। मैं 2-3 फिल्में इनके साथ करने जा रहा हूं। अगले महीने मार्च में ही हम लोगों की शूटिंग शुरू होने वाली है। बस इस फिल्म के लिए मैं दिल से गुजारिश करता हूं कि लव के लिए कुछ करेगा तो कुछ हो ही जाए, बहुत अच्छा होगा। जी, पूरी टीम एक दूसरे के साथ काफ़ी बंधी हुई है और जब सब बंधे हुए होते हैं तो काम जो है मशीन की तरह अपने आप होने लगता है, होता है। इसलिए बहुत कम समय में फिल्म भी कंप्लीट हो गई और बहुत बेहतरीन और अच्छी फिल्म बनी। आपका रोल काफ़ी डिफरेंट देखने को मिला है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अलग है क्योंकि आज तक मैंने 25-30 फिल्में एज ए मैन विलन किया है, बिल्कुल खतरनाक खलनायक के रूप में, और इस फिल्म में कुछ हटके हैं। फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ी सी कॉमेडी की है जो बहुत अच्छी करने की कोशिश की है मैंने, बाकी पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है उन्हें कैसा लगेगा। और बहुत मेहनत किया, सबने मेहनत किया है, सारे आर्टिस्टों ने मेहनत किया है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जितने भी भोजपुरी ऑडियंस है, भोजपुरी के लोग हैं, इस फिल्म को देखें और इसको सराहें और इस, ताकि इसकी बेहतर रिकवरी हो, ताकि हर इंसान, हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर एक साफ़ सुथरी फिल्म बनाने की कोशिश करे, क्योंकि इस फिल्म के अंदर वल्गैरिटी बिल्कुल नहीं है और इस फिल्म में हर चीज़ हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारा संस्कार देखने को मिलेगा।
तो मैं चाहूँगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में इस फिल्म को देखें, ताकि अच्छी रिकवरी हो, ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले कि हम अगर अच्छी फिल्म बनाएं, साफ़ सुथरी फिल्म बनाएं, संस्कृति को ध्यान में रख के फिल्म बनाएं, तो रिकवरी होगी। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसमें वल्गैरिटी रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सभी भोजपुरिया समाज के और सभी न्यूज़ चैनल वालों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम सूर्या शर्मा है और लव के लिए कुछ भी करेगा इस पिक्चर से मैं डेब्यू कर रहा हूँ और बहुत आशाएँ हैं भोजपुरी समाज से कि एक नए लड़कों को या नए लड़कों को सपोर्ट कीजिए और इस मूवी को, ये रिलीज़ जब हो रही है तो इसे प्लीज़ जाके देखिए। फिल्म के बारे में बताइए, शूटिंग खत्म हो चुकी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, किरदार किस प्रकार का आपका? बहुत ही खुश हूँ, शूटिंग फाइनली कंप्लीट हुई और पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ। पिक्चर बहुत ही इंटरटेनिंग है, बहुत ही अच्छी मूवी बनी है, फैमिली मूवी है। मैं आपको फिर कहता हूँ, इस पिक्चर को एकदम बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया है धीरज जी ने और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस मूवी को देखिए। बहुत ही फैमिली ड्रामा है, इंटरटेनमेंट है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पूरे टीम की, इंटायर टीम की पूरी मेहनत लगी हुई है। सो रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इसे देखिए जब ये रिलीज़ हो। प्रोड्यूसर मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बड़े छोटे भाई जैसे मानते हैं, सुनील भैया, सतीश दुबे जी। मेरे लिए ये भाई नहीं है, मेरे लिए गॉडफादर हैं। कुछ शब्द होते हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो मेरे लिए क्या है। बस इतना कहूँगा कि वो इस समय मैं आपके सामने हूँ तो रीज़न है सतीश जी, सुनील भैया। तो बहुत अच्छे इंसान। बात दो मूवी है जिसका, जो शायद भैया का ही है, प्रमोद प्रेमी जी हैं। सो बहुत एक्साइटेड हूँ उस मूवी को लेके एंड फाइनली धीरज जी के साथ फिर काम करने का मौका मिलेगा इस, और एक प्रोजेक्ट धीरज जी की है तो बात चल रहा है। होप करूँगा कि धीरज जी के साथ फिर एक दोबारा आपको एक इंटरटेन कर सकूँ, ऑडियंस को इंटरटेन कर सकूँ और भोजपुरिया समाज के सभी न्यूज़ चैनल वालों को तहे दिल से शुक्रिया। बिकॉज आप नहीं होते तो शायद न्यू कलाकार्स नहीं होते, या आप नहीं होते तो इंडस्ट्री नहीं होती। आज उसको प्रमोट अपने उस लेवल तक लेके गए हो कि आज हम मल्टी तक पहुंच गए हैं, मल्टी सिनेमा तक पहुंच गए हैं। सो थैंक यू सो मच। मीडिया को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, सभी मीडिया कर्मियों को, और प्लीज़ मैं होप करता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बहुत बेहतरीन मूवीज़ में से ये इस पिक्चर का नाम हो। ऑडियंस से अपील करता हूं, प्लीज़ इसे पिक्चर देखिए जब भी ये रिलीज़ हो रही है, प्लीज़। जी मेरा नाम शहजाद है और इस मूवी में मेरा किरदार एक विलन का किरदार है। मैं एक मुझे मेन विलन का एक राइट हैंड हूँ और बहुत ही अच्छा किरदार दिया है मुझे और मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसे निभाया है। आप लोग देखिए जाके, बहुत आपको अच्छा लगेगा और बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने उसको दिया है और काफ़ी मज़ा आया मुझे इस मूवी में काम करके। फिल्म की पूरी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म की टीम बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है और सब ने एक दूसरे का साथ दिया, सब एक साथ ही चले, मतलब एक दूसरे को लेके चलने वाली टीम है, ये बहुत प्यारी टीम है। आने वाला कोई प्रोजेक्ट है? हाँ, आने वाला प्रोजेक्ट है एक, अभी इसकी बात चल रही है, शायद वो अगले नेक्स्ट मंथ से चालू हो सकता है। हिंदी पिक्चर किया है एक हिंदी मूवी किया हूँ मैंने, उसका फॉरेस्ट ऑफ कोरिया, ये उसमें मतलब एक लीड मेन विलन किया हूँ मैंने। और एक मूवी और है मेरी, अभी मतलब उसका शूट कंप्लीट हो गया है, प्रमोद प्रेमी जी उसमें हीरो हैं, उमेश जी विलन हैं उसमें, उसमें मतलब एक अच्छा किरदार किया हूँ मैंने। सेकेंड भोजपुरिया समाज के प्रणाम, सभी भोजपुरिया समाज के प्रणाम। आप देख रहे हैं अपना समाचार।